नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस के जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के ताज़ा अपडेट। दोस्तों UPSC ने RO और ARO की लेटेस्ट DV डेट अनाउंस कर दी है दोस्तों, वो भी ऑप्शन नोटिफिकेशन के साथ। हम देखेंगे भी कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए बुलाया गया है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे पहले बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संख्या नंबर 12/41/12/E4 और 2018-19, ठीक है। तो प्रयागराज दिनांक 20 मई 2020 का नया नोटिफिकेशन आया है जो आज अभी थोड़ी देर पहले ही साइट पे आया है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हो जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें समीक्षा अधिकारी ओब्लिक सहायक समीक्षा अधिकारी, उसमें सामान्य वर्ग विशेष वर्ग और बैकलॉग चयन परीक्षा 2017 का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जा चुका है और उनमें बाकी कैंडिडेट जो भी हैं उनको घोषित अंतिम चयन परिणाम में सफल अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में शैक्षणिक अभिलेखा का सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी निर्धारित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं भी आपको कब कब बुलाया गया है। ये देख सकते हो पद का नाम दे रखा है स्टार्टिंग में समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग, ठीक है जी। इसमें समस्त चयनित कैंडिडेट्स को बुलाया जो कि कुल 14 कैंडिडेट्स हैं। दिनांक देख सकते हो आप, दिनांक आपको बुलाया गया 27 मई को सुबह 10 से 12 बजे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा लोक सेवा आयोग समस्त चयनित और ये कुल 5 कैंडिडेट्स हैं। इसमें दिनांक 27 तारीख को बुलाया गया उन्हें 27 मई को और समय रहेगा आपका 12 से 1 बजे के बीच, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रहेगा आपका सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग, इसमें देख लेते हैं अनुक्रमांक के हिसाब से बुला रखा है। अनुक्रमांक 15/99 से 10/88/07 यानी कुल अभ्यर्थी 10 रहेंगे इसमें और ये आपको बुलाया गया 27 मई को 3 से 4 बजे, ठीक है जी। नेक्स्ट रहेगा आपका रोल नंबर दे रखा है 12/13/56 से 24/42/43 तक, इसमें टोटल 10 अभ्यर्थी हैं। इसमें आपको 27 तारीख को बुलाया 4 से 5 बजे, ठीक है जी। नेक्स्ट रहेगा आपका अनुक्रमांक 24/66/57 से 30/39/94 कुल 10 कैंडिडेट्स रहेंगे। इसमें आपको बुलाया गया 28 तारीख को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में, ठीक है जी। नेक्स्ट अनुक्रमांक रोल नंबर दिए गए हैं आपके 32/32/03 से आपके रहेंगे 44/23/02 तक, ठीक है जी। कुल 10 कैंडिडेट्स हैं, इसमें आपको बुलाया गया 28 तारीख को और 11 बजे से 12 बजे, ठीक है जी। नेक्स्ट रहेगा आपका 44/84/86 से 51/87/16 टोटल 9 कैंडिडेट रहेंगे, ये बुलाया गया 28 मई को 12 से 1 बजे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रहेगा आपके समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद की अनुक्रमांक रहेगा आपका 11/25/92 से 48/64/87 यानी कि टोटल कैंडिडेट हैं इसमें 7, इसको बुलाया गया 28 मई को 3 से 4 बजे, ठीक है जी। नेक्स्ट रहेगा आपका समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद अनुक्रमांक रहेगा आपका 80/865 से 52/77/72, ठीक है। कुल 6 कैंडिडेट्स रहेंगे इसमें, ये बुलाया गया आपको 28 तारीख को 4 से 5 बजे शाम को, ठीक है जी। या आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी, जिसमें आपको पता चल जाए पूरी डिटेल से पे आपको कब किस रोल नंबर को किस डेट को और कितने बजे बुलाया गया है, ठीक है जी, पोस्ट के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं, इसमें नोट दिया हो यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश किसी तिथि में उपस्थित नहीं हो पाता तो उसका पद निरस्त नहीं किया जाएगा बल्कि उसे अभिलेख सत्यापन का अवसर अन्य अवसर भी दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाई चांस किसी कारण आपको बस नहीं मिलती है और किसी वजह से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं पहुंच पाते तो आपको दूसरा अवसर भी इसमें दिया जाएगा। और ये आप देख सकते हो इसमें डिटेल से दे रखा है भी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, ठीक है जी। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि समय पर मास्क पहनकर ही आयोग में उपस्थित हो, ठीक है जी। उनके वांछित मूल छायापत्री जो भी आपका डॉक्यूमेंट है और
वो साथ में लेके आने, अतिरिक्त कोई भी सामान बैग ब्रीफ केस इत्यादि न ले आए, ठीक है जी। उसके बाद में लॉकडाउन की अवधि बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंस को आपको मेंटेन रखना है, ठीक है जी। किसी से मिलना जुलना नज़दीक नहीं बैठना है। वो आयोग के गेट नंबर 2 में पहुँचने पर अभ्यर्थी को हैंड वॉश व सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। हैंड वॉश व सैनिटाइजर का उपयोग करने व थर्मल स्कैनिंग कराने के उपरांत ही आपको परिसर में प्रवेश करना होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट दे रखा को जी ने व्यक्ति को बुखार खांसी जुकाम या अन्य कोई बीमारी है तो व्यक्ति सत्यापन हेतु न आए, उन्हें सत्यापन हेतु यानी कि उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अतिरिक्त अवसर भी दिया जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट दे रखी है, आप देख सकते हो upsc.up.nic.in, ठीक है जी। इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो, इसके ऊपर होम पेज पर कैंडिडेट सेगमेंट में जाके सेलेक्ट कैंडिडेट डाउनलोड फील फॉर्म और समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी एक्सेट्रा जनरल स्पेशल डॉक्यूमेंट मेंस एग्जामिनेशन 2017 पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बहने वांछित सूचना सबमिट करके पूर्व में भरे गए ऑनलाइन फॉर्म आवेदन पत्र प्रमाण पत्र प्रपत्र जो भी आप डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी निकाल के और 2 सेट तैयार कर ले, ठीक है जी। आपको साथ में 4 फोटो भी साथ में लेके आनी है और आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के गेट नंबर 2 पर स्थित गेट हाउस में पहुंचना सुनिश्चित करें, ठीक है जी। आपको इस एड्रेस पे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और ये आप देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है जी। तो दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिन कैंडिडेट्स को जिस डेट के अनुसार बुलाया गया उसी डेट पे आपको जाना है, ठीक है दोस्तों। और आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ में और 4 फोटो भी लेके साथ में जानी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।